वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी और सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 9वीं और 11वीं वर्ग की बायोलॉजी का जो एक अध्याय है, जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ, उसको बतलाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम उसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान। तो सजीव जगत का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान को दो कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। एक को हम कहते हैं बॉटनी और दूसरे को कहते हैं जूलॉजी। तो बॉटनी जो होता है उसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसका जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दूसरा जो इसका भाग है उसको हम कहते हैं जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। इसका अध्ययन इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसका जनक अरस्तु को माना जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया था मृत कोशिकाओं को किया गया था, और उसमें भी जो चीज़ पाए गए थे नेफ्रॉन पाई गई थी। अगला पॉइंट हमारा है कोशिका अर्थात सेल। सेल को हम लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं। इसका जब डेफिनेशन हम देते हैं तो इसका डेफिनेशन होता है मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो यह मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला पॉइंट हमारा है कि जो कोशिका है जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं, लैटिन भाषा में सेलुला कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इसका जो मीनिंग्स होता है स्मॉल रूम छोटा कमरा। इसका जो अध्ययन किया जाता है इसको हम इसका नाम है साइटो या बायोलॉजिकल नेम इसको या टेक्निकल नेम इसको हम साइटो कहते हैं। इसका अध्ययन जो किया जाता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रबर के कॉर्क पर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो कहा जाता है वो रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। सर्वप्रथम जो जिन्होंने जीवित कोशिका देखी थी उसका नाम था ए वी लीवन हॉक। उन्होंने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में कवक की कोशिकाओं का अध्ययन और निरीक्षण किया। उसमें उसके पश्चात उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका का जो खोज हुआ वो एवी लीवन हॉक या एंटोनियन लीवन हॉक ने की थी, इसलिए एवी लीवन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। कोशिका के बीचों बीच का जो भाग होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, और यह कोशिका का आधार माना जाता है। इसी पर कोशिका स्थायित्व बसा होता है। इसी यही कोशिका के जीवन निर्माण को या उसके जीवन को संरक्षित करती है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में की थी। मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इस सिद्धांत की खोज स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने की थी। दुनिया की सबसे जो छोटी कोशिका है उसको माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। इसकी जो आकार होती है उसको हम 0.1 माइक्रोमीटर कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो है उसको शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। इसकी लंबाई 170 मिलीमीटर और चौड़ाई 130 मिलीमीटर होती है। मानव शरीर की अब चलिए हम लोग आते हैं मानव शरीर में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है जिसको हम सीमेंस कहते हैं या स्पर्म कहते हैं या हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। ये नर में पाया जाने वाला जनन तंत्र का हिस्सा है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है
उसे हम ओवम कहते हैं। यह मादा में पाई जाती है, इसको हम अंडाणु कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं या स्नायु भी तंत्र भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है, जिसको हम यकृत या जिगर भी कहते हैं। और मनुष्य का शरीर का एक भाग ऐसा भी है जिसका भाजन विभाजन नहीं होता है, बल्कि वो विभाजन रहित है, जिसको हम ब्रेन सेल्स भी कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। तो मस्तिष्क की जो कोशिका होती है उसका विभाजन नहीं होता है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है इसकी संरचना को लेकर के। जिस प्रकार हम जानते हैं कि घर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम ईंट कहते हैं। जब ईंट को जोड़ा जाता है एक के ऊपर एक, तो दीवार का निर्माण होता है। जब दीवार को सिस्टमेटिक ढंग से सजाया जाता है तो एक कमरा बनता है। और सही तरीके से बनाए जाते हैं, उसको ढंग से सजाया जाता है, वो घर का निर्माण करता है। इसी प्रकार मानव शरीर की जो सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है उसको कोशिका कहते हैं। जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती है और एक समरूप क्रिया को संचालित करती है तो ऊतक का निर्माण करती है। जब कई ऊतक आपस में मिलते हैं तो एक अंग बनाता है, और कई अंग आपस में मिलते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। कई अंग तंत्र आपस में मिलकर मानव शरीर की रचना करता है। अब चलिए हम इसका जो आगे का जो पॉइंट है उसको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें जो अन्य कोशिकाएं हैं उसकी ओर, तो मानव शरीर में जो अन्य कोशिकाएं हैं जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका हिंदी में हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसका निर्माण प्रोटीन से हुआ है और इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही कई प्रकार के अंग स्थित होते हैं, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। अब चलिए हम इसका जो अगला पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि अगला पॉइंट हमारा है सेल वॉल, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये कोशिका है, कोशिका के बाहर जो ये इस तरह की धारियाँ बनी है उसको झिल्ली कहते हैं या भित्ति कहते हैं। तो कोशिका के बाहरी जो परत होती है, कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन उसके बाहर में एक और जो परत होती है मोटी होती है, सख्त होती है, केवल और केवल भारी वस्तुओं में पाई जाती है, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। इसका काम जो होता है पेड़ पौधों को सुरक्षा देना और उसका आकार प्रदान करना है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम मानव शरीर का ऊर्जा घर भी कहते हैं, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक भित्ति होती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग या क्रिस्टी में ही श्वसन की क्रिया होती है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसके अंदर में क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया पूरा होने के बाद उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, जो 38 ATP के रूप में होती है। इसी ATP बाद में ग्लूकोज के रूप में टूटती है, और यही ग्लूकोज फिर मानव शरीर को ऊर्जा देता है। तो अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे हम कि गाल्जी बॉडी क्या है। तो गाल्जी बॉडी को हम इंग्लिश में गाल्जी अपारेटस कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसका मुख्य काम है मानव शरीर में ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना। अगला पॉइंट हमारा है रसधानी, जिसको हम वॉक्यूल्स कहते हैं। और इसका काम कोशिका के अंदर जल का संग्रह करना है। हम जानते हैं कि कोशिका का 65% से अधिक भाग पानी से बना होता है।
तो ये कुछ राजस्थानी जो होती है जिसको वकील्स कहते हैं, वकील्स का काम कोशिकाओं के अंदर पानी की सही मात्रा को संतुलित करके रखना या बचा कर रखना है ताकि कोशिकाओं का जीवन बचा रहे। अगला पॉइंट हमारा है तारक का, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका मुख्य जो काम होता है कोशिका विभाजन करना होता है, और कोशिका विभाजन के बाद और जो शरीर में पुनर्निर्माण का काम होता है ये भी करना होता है। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर या यकृत में या जिगर में होता है। जो एक शराबी शराब पीता है तो उसकी यकृत या लीवर जो होता है 90% तक डिफेक्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन ये 24 घंटे के अंदर इसके अधिकांश भाग को रिकवर कर लेती है सेंट्रोसोम। लेकिन वह पहले जैसा 100% नहीं हो पाती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन दिमाग जो होती है उसमें कभी भी, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो दिमाग में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस कारण से दिमाग में कभी चोट लगती है या दिमाग में जब कोई झटके लगते हैं, आघात लगते हैं, तो उसकी वजह से मनुष्य का याददाश्त जो होती है, मेमोरी हो जाती है, वो फॉर्मेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, आदमी की अपनी याददाश्त जा सकती है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। आप जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर है क्या। तो कैंसर कोई बहुत अजूबा चीज़ नहीं है, कैंसर एक सामान्य चीज़ है जो मनुष्य के शरीर में एक सामान्य रूप में मौजूद है। लेकिन जब यही चीज़ अनियंत्रित हो जाती है शरीर के अंदर, जब कोशिकाओं का विभाजन, शरीर के अंदर कोशिकाओं का जब विभाजन अनियंत्रित रूप से होने लगता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। अब हम चलते हैं कि कोशिका ब्रेन जो है किस चीज़ का बना है। तो ब्रेन जो हमारा ब्रेन 90% न्यूरॉन से बना है। एक बच्चे के पैदा होने के बाद और मरने तक दिमाग की कोशिकाएं फिर से नहीं बन पाती, उनका विकास नहीं हो पाता है, वो डिवीज़न की क्रिया नहीं हो पाती उसकी कोशिकाओं में। तो 90% जो दिमाग होता है न्यूरॉन्स का बना होता है, जबकि 10% जो दिमाग का होता है जिसको ग्लियल सेल से बना होता है। अगला पॉइंट हमारा है जिसको हम कहते हैं ईआर, अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जलिका, जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह जो ईआर जो होती है, इसका मुख्य काम कोशिका के अंदर पिलर का निर्माण करना या बीम का निर्माण करना, ताकि कोशिकाओं के आंतरिक रूप से मदद की जा सके या कोशिकाओं का स्मूथ हिस्से में अंतःप्रद्रवी जलिका के जो चिकना भाग होता है वहाँ पर यह प्रोटीन का निर्माण करती है, और जो खुरदरा भाग है वहाँ पर यह प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये जो हम एक मान लेते हैं कि ये एक प्रद्रवी जलिका है, ये दो भागों में तोड़ देती है, खुरदरा भाग है, ये चिकना भाग है। तो चिकना भाग में हम देखते हैं कि फैट्स बनता है, वसा बनता है, और जो खुरदरा भाग है, रफ भाग है, वहाँ पे हम राइबोसोम की बनती है, और राइबोसोम के साथ ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आज मैंने आपके समक्ष जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उसको आपके समक्ष रखा, आपके सामने रखा। आने वाले दिनों में और भी इससे संबंधित जानकारियाँ रखी जाएगी, क्योंकि यह इसका एक भाग है, इसके पूरा भाग को आज मैं आपके समक्ष पेश नहीं कर पाया, इसलिए इसका जो अगला पार्ट है अगले दिन पेश किया जाएगा। जब भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहें। धन्यवाद।